देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की हाथ बड़ी खबरें। विधानसभा क्षेत्र की धरती पर कांग्रेस सभापति प्रियंका गांधी का तूफानी दौरा। खेतों में काम कर रही महिलाओं से भी प्रियंका ने की मुलाकात, जहां महिलाओं ने गुड़ खिलाकर किया उनका स्वागत। जाकर बाराबंकी दिनांक 23 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का जनपद बाराबंकी के विधानसभा क्षेत्र जैतपुर में एक तूफानी दौरा हुआ, जिसको लेकर बाराबंकी पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त दिखाई दी। बाराबंकी पुलिस की कठोरता तथा तानाशाही इस कदर बढ़ी कि पत्रकारों को भी कवरेज करने से रोका गया। बता दें कि प्रियंका गांधी को यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करना था, परंतु पुलिस प्रशासन के कड़े रवैये के कारण ऐसा नहीं हो सका और उन्हें विशाल जनसभा के बजाय नुक्कड़ सभा को अपनी बात जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनाना पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से कई चुनावी वादे किए और प्रतिज्ञा यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। तो वहीं श्रीमती वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने से पहले प्रतिज्ञाएं की और उन प्रतिज्ञाओं को जनता के सामने रखा। नंबर एक, टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी। दो, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। तीन, किसानों का पूरा कर्ज माफ। चार, 2500 में गेहूं धान 400 पाएगा मात्र किसान गन्ना किसान। पांच, बिल बिजली का बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया माफ। छह, दूर होगी कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। सातवीं प्रतिज्ञा, 20,00,000 को सरकारी रोजगार। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित एक बड़ा जनसैलाब विधानसभा जैतपुर में दिखाई दिया, जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुनने आया था। साथ ही महिलाओं का हुजूम भी प्रियंका के समर्थन में दिखा। बाराबंकी इसलिए आना हुआ क्योंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है, इसलिए उनका पूनम पांडे का बाराबंकी आगमन कैसे हुआ? प्रियंका जी इतनी अच्छी शुरुआत कर रही हैं और लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे उन्होंने वादे करे हैं और पुराने रिकॉर्ड देखे, इतना कर्जा भी माफ किया किसानों का, जैसे आज भी उन्होंने ये वादा किया, तो हमें उन्हें भरोसा है, विश्वास है। तो एक लड़ाकू महिला के साथ में खड़ा होना चाहिए ना, चाहे कहीं भी हो, देश में ही तो है, कौन से विदेश में जो नहीं जा पाएंगे। क्या लगता है कांग्रेस सीट निकाल पाएगी उत्तर प्रदेश में? सीट निकाल रहे जब तो इन्हें पता, जब तो इतना प्रशासन आगे रखा, जब तो इतनी इनके सिस्टम में पूरा बवाल मच जावे, देखते नहीं आप जहाँ जहाँ पे महिला जा रही है, जहाँ जहाँ महिला आवाज बुलंद कर रही है, जहाँ जहाँ प्रियंका जी आवाज बुलंद कर रही है, इतने काय को घबरा जाए। प्रियंका गांधी यहाँ जनसभा संबोधित करने वाली थी, क्या हुआ कि ऐसे यहाँ जनसभा नहीं संबोधित? अभी इस बात का मुझे पता नहीं है कि मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ, अभी 10 मिनट ही मुझे हुए हैं, किस विषय में ये बात हुई है वो भी मुझे इसकी जानकारी नहीं। प्रतिज्ञा यात्रा कहाँ तक सफल होगी? पूरे देश में होगी 2024 तक, आप देख लेना, बात सिर्फ प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की बात। इतनी कारगर साबित होगी प्रतिज्ञा यात्रा? इतनी कारगर साबित होगी कि आप उनके थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेक करेंगे ना, तो पता लग जाएगा कितनी हालत खराब है। कारगर ज्यादा हो रही है, जब इतना प्रशासन को इतना दुखी कर रखा, यू देखो तुम लॉजिक लगाओ, क्यों इतना प्रशासन को दुखी कर रखा शासन ने, सरकार के लोगों ने? कारगर कुछ हद से ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए। तो जब एक बात बताओ, सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी समझ में सरकार की आ रही, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो बड़े भाई? खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने